नमस्ते स्टूडेंट्स, आई एम जीवन मिस्टर केएल नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय डिजिटल क्लास। स्टूडेंट्स, आई विल प्रिपेयर दिस लेक्चर फॉर प्रोग्राम बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स फॉर सेम। माई सब्जेक्ट इज elective course landscaping। Students, today I am discuss about lawn making, so let starts your topics first, lawn and lawn making। Now discuss, a lawn is an area where grass is ग्राउंड एस ए ग्रीन कारपेट फॉर ए लैंडस्केप एंड इज द बेसिक फीचर्स ऑफ एनी गार्डन। इसके अंदर बताया है कि जो लॉन होगा गार्डन के अंदर, ये एक गार्डन की जो पर्टिकुलर एरिया को एक अच्छी ब्यूटिफिकेशंस एंड जो अट्रैक्टिव गार्डन को प्रदर्शित करता है, जिससे इसमें बताया जो एक नेचुरल ग्रीन कारपेट तैयार करता है फॉर लैंडस्केपिंग। इसमें है कि जो इसके बेसिक फीचर्स होता है यानी गार्डन्स के, जिसमें इट सर्विस टू इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ द गार्डन। इट बी ए लार्ज और स्मॉलर प्रॉपर लार्ज मेंटेन प्ले क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी लैंडस्केप गार्डन डिजाइंस। जो लैंडस्केप गार्डन के अंदर हम बात करेंगे लॉन के अंदर, तो एक जो लॉन होती है जो लैंडस्केप के अंदर, हम लॉन के अंदर बात करते हैं, तो इसमें बताया कि जो लैंडस्केप में लॉन, जो इसका जो मेन फीचर्स होता है कि लॉन को हम गार्डन, मतलब लॉन के बिना गार्डन तैयार नहीं कर सकते, और इसको हम गार्डन की आत्मा भी, आत्मा के नाम से भी उसको जानते हैं, कि उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ गार्डन, मतलब बिना लॉन के गार्डन तैयार नहीं हो सकता। जिसके अंदर बताया कि ए ब्यूटीफुल वेल मेंटेन लॉन कैन मेक द एंटायर लैंडस्केप लुक गुड एंड द वेयर एज ए लॉन दैट इज नॉट मेंटेन कैन कंप्लीटली रन इट्स द ब्यूटीफाई एंड दी लॉन नो ओनली हारमोनाइज विद दी ए डेकोर ऑफ ड्राइंग रूम्स बट आल्सो सेट ऑफ ए सूटेबल बैकग्राउंड फॉर ए स्पेसिमेन ट्रीज दैट श्रब्स एंड एज वेल एज फॉर कलरफुल बेड्स एंड बॉर्डर्स। ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं गार्डन के, ये भी गार्डन के डेकोरेशंस के लिए एंड दी ब्यूटिफिकेशंस के लिए गार्डन को बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं गार्डन तैयार करने के। इसके अंदर बताया कि दी पोजिशंस ऑफ द लॉन लार्जली डिपेंड अपॉन दी ले आउट ऑफ गार्डन इन रिलेशन ऑफ टू ए हाउस एंड इन जनरल लॉन शुड बी वाइड अपॉन विद असेसेस ऑफ डायरेक्ट सनशाइंस एंड स्पेशल इन फ्रंट ऑफ ए रॉकरी एंड वाटर पूल। मतलब इसके अंदर रॉकरी, वाटर पूल या जितने भी उनके फ्रंट में जितने भी आसपास का एरिया होगा, उन ऐसी जगह पे हम लॉन को भी तैयार कर सकेंगे, जिससे जो आसपास का एरिया को वच्चे से एक नेचुरल कारपेट, ग्रीन कारपेट में उसको लुकिंग को देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे पस्ट साइड, जो पस्ट में बात करते तो जो साइट एंड सोइल का, जो उसके अंदर उसको चूज करते हैं किस टाइप की सोइल, किस टाइप और किस टाइप से उसकी साइट को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं लॉन को, मतलब जो ग्रीन कारपेट तैयार करने के लिए। तो इसमें दी आफ्टर द चूजिंग दिस साइट एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन इज दिस साइट एंड द शेप ऑफ लॉन एंड प्रजेंटेशन of this site include digging, leveling and enhancing the soils with an organic manure or
amending is making the amending with the fertile soils, and this soil is very heavy and coarse and sandy, might be added by the remol subsoil to depth about 20 centimeters, and idea जो ideal soil pH होगा उनका should be account लगभग होना चाहिए 5 to 5.6, and if it's very acidic, अगर इसमें कुछ acidic soils होती है, acidic मात्रा ज़्यादा होती है इसकी quantity में 500 grams per meter square में, तो lime should be हम add कर सकते हैं। इसके बाद में है जी clay loam and alkaline soil, जिसके लिए हम जो alkaline soil होती है, alkaline soil के लिए उसके अंदर हम gypsum को भी उसके अंदर ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करने से उसकी जो क्वांटिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं सोइल्स की, जिससे क्या होगा दी प्रोवाइजिंग एंड जिसके बाद हम प्रोवाइजिंग कर सकते हैं ड्रेनेज को, ड्रेनेज में क्या होगा जो एक्सेस वाटर होगा उसको हम रिमूव कर सकते हैं। और इसके बाद में इफ़ दी ग्राउंड इज नो स्लोप, अगर ग्राउंड कोई स्लोप नहीं हो तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अब लेवलिंग जब लेवलिंग होता है तब वाटर एक्सेस वाटर जब स्टोर होता है तो उनको हम ड्रेनेज के थ्रू रिमूव कर सकेंगे वाटर का। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड में लेवलिंग, लेवलिंग इज द प्रोसेस द सिलेक्शन ऑफ द लॉन, इसमें द साइड्स शुड बी थ्रू आउट द लेवलिंग विद स्पेड्स पेडबल्स एंड द वीड आर द हैंड पिक्ड, दिस सोइल इज रोल जो रोल जो रोलर के द्वारा भी हम सोइल को लेवलिंग कर सकते हैं विद रोलर, इसमें द वीड्स स्पेशली नट ग्रास शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रो एंड द ग्रो शुड बी रिमूव विद द रूट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 times, इसमें बताया जो रूट्स होती हैं उसको 2 से 3 times गुना भी ज़्यादा उसे रूट को हम रिमूव कर सकते हैं। एक बार जब उसकी जो वीड्स होती है वीड्स की अगर रूट को हम रिमूव करते हैं तब भी वो वापस ग्रो हो जाता है, लेकिन उसको 2 या 3 बार उसको बार बार उसकी रूट्स को जब रिमूव करेंगे तब जाके उसका जो खरपतवार होगा उनको परमानेंट के लिए हम उसको उसको नष्ट कर सकते हैं। मेथड की बात करते हैं जो लॉन तैयार करते हैं तो उसमें कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं, पहला है सीडलिंग, दूसरा है टर्पिंग एंड तीसरा है टर्पिंग और प्लास्टरिंग एंड फोर्थ में आता है डिबलिंग रूट सिस्टम एंड फोर्थ इसके बाद फाइव तो जो मेथड आता है एस्ट्रो टर्पिंग। जो इसके अंदर फर्स्ट में हम बात करते हैं सीडलिंग मेथड, ये सबसे पॉपुलर मेथड माना जाता है सूटेबल फॉर द सीडलिंग ऑफ दुब घास के लिए, जो दुब घास होता है उसके लिए ये सबसे बेस्ट मेथड होगा, इजी मेथड एंड दी पॉपुलर मेथड भी होगा, जिसको हम बोटनिकल नाम जानते हैं डाया साइडॉन डक्टाइलॉन के नाम से उनको दुब घास को जाना जाता है। इसके बाद इट हैज दी पास्ट स्प्रेडिंग एंड मेट फॉर्मिंग हैबिट एंड द रेडली फॉर्म एंड द रूट एट द नॉट्स, जो उसके नॉट्स होते हैं नॉट्स से ये रूट तैयार होता है। इसके बाद ही फॉलिएज इज ए डार्क ग्रीन, जिसकी जो फॉलिएज होती है लिप्स होती है वह एक डार्क ग्रीन में होगी और नेरो होती है। इसके बाद ये पैरेलल वाइंस के रूप में होगी एंड द लॉन फ्रॉम द सीड्स इज थ्रू ऑफ ओनली व्हेन द ग्रास रूट्स आर नो अवेलेबल, ये ओनली एक सीडलिंग के फॉर्म में ही ये ग्रास जो ग्रास होता है ये अवेलेबल होता है मार्केट्स में। बट अगर हम बात करते हैं कि जो ये ग्रास की जो रूट होती है ये नो अवेलेबल होती है, इसमें दी अबाउट द 30 kg ऑफ सीड्स इज रिक्वायर फॉर प्लांटिंग 1 hectare, जो 1 hectare एरिया के अंदर हम कवर करते हैं लॉन को तो उसके लिए हमें 30 kg सीड्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद की जी सोइल शुड बी द रिड्यूस द फाइनल टिथ एंड गिवन एट द लाइट रोलिंग, इसमें जो रोलिंग से हम जब लेवलिंग करते हैं तो उसमें हल्का सा उसको टिथ के द्वारा उसको लेवल करते हैं, जिसके बाद ही हम सीड को तैयार करते हैं उसके अंदर ग्रो करेंगे। दिस साइड शुड बी डिवाइडेड इनटू सूटेबल स्मॉल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर्स एंड द सीड आर द मिक्स विद द डबल एंड द क्वांटिटी ऑफ फाइनली सेव द सॉइल्स एंड शुड बी रोलर अगेन द वाटर लेवलर द लेवल लेवलरी विद रोज कैन, इससे क्या होगा जो लेवल करने के बाद सीड तैयार करते हैं सीड उसके अंदर ग्रो मतलब सीड ग्रो करते हैं सीड डालने के बाद में फिर वापस उसको लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग करने के बाद में फिर उसको
वाटर का इरिगेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, वाटर कैन से भी हम उसके इरिगेट कर सकते हैं। इसके बाद दी सीड टेक 4 to 5 weeks फॉर जर्मिनेशन, मतलब 4 से 5 वीक्स में ये जर्मिनेट हो जाता है। एंड इसको फिर केयर करते हैं, इसका देख रेख करेंगे एंड फ्लोट दी साइड्स एंड द फॉर द फर्स्ट फ्यू टाइम्स द ग्रास आर कट। फिर उसमें फर्स्ट टाइम है तो हम ग्रास को अच्छे लेवलिंग के रूप में उसको एक लेवल से उसको कट करते हैं विद दी स्काइथ एंड लॉन द मोवर माय यूज फॉर इजी मेंटेनेंस एंड फॉर द स्प्रीडिंग। फिर उसको मेंटेनेंस करते हैं उसके स्प्रीडिंग के अकॉर्डिंग। हम बात करते हैं टर्पिंग सिस्टम जो मेथड होता है ग्रास का, ये भी एक बहुत ईजी मेथड होता है। बट इसके अंदर बात करते हैं कि ये टर्प आर द नथिंग बट पीस ऑफ अर्थ विद एंड कम्पैक्ट ग्रासेस ऑन देम। दिस टर्प शुड बी कट यूनिफॉर्म इन द स्क्वायर फ्रॉम ए प्लेस वेयर द ग्रासेस इज शॉर्ट कम्पैक्ट एंड फ्री फ्रॉम वीड्स। यह एक पूरी तरीके से वीड्स से फ्री फ्रॉम होगा बट ये एक शॉर्ट ग्रास होगा, उसका जो टाइम पीरियड होता है लॉन्ग टाइम का नहीं होके वो एक शॉर्ट पीरियड होता है इसकी। इसी कारण इस ये मेथड्स को भी हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते। इसमें कि दिस टर्प शुड बी प्लेस ऑन द प्रिपेयर ग्राउंड साइड्स द साइड बाई साइड एंड द बीटन डाउन प्लेट विद द टर्प बीटर ए सिटीजन्स, मतलब जो सिटी में द इसमें है दी कैविटीज इन बिटवीन शुड द फिल द फाइनल सॉइल्स एंड द इंटायर टर्प एरिया शुड बी रोल्ड एंड द वाटर लाइवली एंड दीज आर मोस्ट एक्सपेंसिव वेज दी लॉन्ग मेकिंग। जो लॉन्ग मेकिंग तैयार करते हैं तो यह एक एक्सपेंसिव मेथड माना जाता है। इसी कारण इस मेथड को भी हम यूज़ तो करेंगे लेकिन बाय चांस ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सीधा जो थर्ड मेथड में आएगा टर्प प्लास्टरिंग। जो प्लास्टरिंग का मतलब होगा सीधा कवर करना, जो मेथड घास को सीधा लॉन में लॉन मेकिंग बनाने के लिए सीधा उसको कारपेट के फॉर्म में तैयार करना। तो इसमें दी धूप घास कैन बी प्रोक्योर्ड इन लार्ज क्वान्टिटी फ्री फ्रॉम दी वीड्स एंड चॉक properly in small beads about the 5 to 7 centimeters long to baskets of chopped grass fish should be mixed with and with the one basket each of garden soils and fresh cow dung and a soaked the shovel full of wood ash with required quantity of water to form a thick pasty substance and with the mixture is then spread uniform on the surface of a previously wetting the perfect level ground and to thickness of at least about 2.5 centimeters and watering grass will shoot up इन ए 49। मतलब जो रात के टाइम पे उसको अच्छे से सोर्स के ऊपर इरिगेशन करते हैं जिससे उसकी मतलब धीरे धीरे उसकी जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। जिससे क्या होगा दिस स्टार्ट विद द कट एंड जब हम स्टार्ट करते हैं कट करना मतलब उसको काटना एंड द आफ्टर 3 मंथ मतलब इसके जो 3 मंथ के बाद में उसको काटना स्टार्ट करते हैं कट करते हैं एंड यूज दी लॉन मोवर जो लॉन मोवर से द्वारा उसको कट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 4th पॉइंट में डिबलिंग मेथड्स। जो डिबलिंग रूट मेथड होता है ये सबसे एक चीप मेथड भी माना जाता है और जो लॉन मेकिंग का सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें दिस इज द चीपेस्ट एंड बट टाइम कंज्यूमर मेथड एंड स्मॉल पीस ऑफ ग्रासेस रूट शुड बी डिप्ड अकॉर्डिंग अबाउट द 10 to 15 centimeter apart in a level ground, then it is wet after rain। मतलब जो रेन के बाद में उसको हम वेट कर सकते हैं, फिर वेट करने के बाद उसको अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं, मतलब उसको डिप के द्वारा रूट को चॉप कर सकते हैं। इसमें ही दी रूट स्प्रेड एंड दी ग्रो अंडरग्राउंड इन दी कोर्स ऑफ 6 मंथ मेकिंग
making a fairly compact lawn by frequent moving, rolling and watering. इसमें जो इसमें छोटे छोटे से डिबलिंग के द्वारा उसमें खड्डे किए जाते हैं, डिप किया जाता है, फिर उसके बाद में रूट को उसको चॉप दिया जाता है, जिससे चॉप का मतलब उसमें अच्छे से उसमें मिट्टी के अंदर रूट को रख दिया जाता है, जिससे ये धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बारे में बात करते हैं आफ्टर केयर। आफ्टर केयर के अंदर बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइजर्स, कौन सा जितने वीड्स वीड्स जितने भी वीड्स हैं और पर कब कब उसमें कटिंग की जाती है, उसके अंदर हम आफ्टर केयर के अंदर बात करते हैं, डिस्कस करेंगे कि इट इंक्लूड द रोलिंग्स। उसके अंदर कौन कौन सा आफ्टर केयर होगा, इसमें पहला रोलिंग करना, मूविंग करना, वाटरिंग एंड रिस्टोरेशन करना, किसका पेटी पीसेस का, एंड दिस शुड बी डन रेगुलरली। अब आफ्टर केयर के अंदर फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं फर्टिलाइजर दी लॉन थ्रिस ए ईयर, मतलब एक साल में तीन बार लॉन के अंदर फर्टिलाइजर हम इरीगेट कर सकते, मतलब डाल सकते हैं, एंड द एडिक्यूएट टू मेंटेन रिच ग्रीननेस द एप्लीकेशन ऑफ यूरिया या अमोनियम सल्फेट एट द रेट ऑफ 1 kg पर स्क्वायर 50 meter square ड्यूरिंग द फरवरी टू मार्च एंड अकॉर्डिंग जून जुलाई या फिर कभी अक्टूबर के महीने में भी या फिर अक्टूबर से नवंबर के महीने में भी हम उसको फर्टिलाइजर को एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें द बेनिफिशियल्स के अंदर और इसमें द एट द टाइम वेल दी डिकम्पोस्ट एट 10 kg पर 10 square meters एरिया विल बी सफिशियंट एज दी टॉप ड्रेसिंग, मतलब टॉप ड्रेसिंग के थ्रू डिकम्पोस्ट जो कम्पोस्टिंग जो अच्छे से डिकम्पोस्टिंग जो कम्पोस्ट होता है मेटर उनको भी हम उनको भी 10 kg के बेसिस पर 10 meter square के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर हम दूसरे पॉइंट के अंदर बात करेंगे वीड्स वुड बी रिमूव एंड सन एज देयर इज अपीयरिंग अदरवाइज दे स्प्रिट एंड सीड्स मल्टीप्लाइज एंड द अदर ओवर पावर द ग्रासेस फिल एंड द गेस गेप विद ग्रास रूट एंड फाइनल सॉइल्स एंड इन द एब्सेंस ऑफ रेन्स वाटरिंग इज डन रेगुलरली एट वीकली इंटरवल्स। इसमें कि अगर ज़रूरत के हिसाब से अगर जब बारिश होगी तब तो हमें ज़रूरत नहीं होती है वाटर इरीगेशन करने की, बट अगर जब इरीगेशन जब रेनफॉल नहीं होगा तो उसी समय पर हम रिक्वायरमेंट के बेसिस पर इंटरवल में बीच बीच में उस पर इरीगेशन करना ज़रूरी है एंड टाइम टाइम पे उसको जो वीड्स को भी रिमूव करना जरूरी रहता है। इसमें है इसके बाद हम बात करते हैं दी मूविंग शुड बी डन एंड द ब्रीफ इंटरवल्स एंड द नेवर एलो एंड द प्रोड्यूस सीड स्टॉक्स अवॉइड कटिंग एंड द ग्रासेस टू सॉर्ट एट दिस कैन डैमेज द ग्रास and inhibit is the deeper root system from sitting up a given rise to weeds and different grasses has a different height at the which they can grow the best, so make the sure and your require about this from the vendor. अब लास्ट पैनल बात हम फाइनल में बात करते हैं कि जो 5 point के अंदर वन इन ए ईयर रेक द लॉन बिफोर द रेन एंड द टॉप ड्रेस विद रिच मिक्सचर ऑफ डिकम्पोस्ट मैन्यूर्स एंड द सॉइल्स एंड दिस विल एक्सेलरेटेड द ग्रासेस विद ए न्यू विग्रस ग्रोथ। जो नई ग्रोथ के लिए हम उसके अंदर कुछ टॉप ड्रेस के बेसिस पर उसके अंदर डिकम्पोस्ट मेन्यूर को भी हम उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल में है कि द बेस्ट टाइम ऑफ द वाटर्स एंड लॉन शुड बी ड्यूरिंग द अर्ली हाउस ऑफ मॉर्निंग एंड द वाटरिंग ड्यूरिंग द टाइम दिस टाइम विल द अलाउ द वाटर टू रीच द रूट एंड विदाउट द एफ्रेटिंग एंड मिड आफ्टरनून माई लीड टू वाटर गेटिंग द एफ्रेटिंग सिस्टम दिस द सन द water homogeneously and the across the lawn without over flooding, मतलब उसमें बिना flooding के through ही उसके अंदर हम water को एक uniform water के रूप में उसको irrigate करते हैं, जिससे time to period उसका जब evaporative system जब बढ़ता है दिन के time पे afternoon time पर
तो उसी समय पर टाइम टू टाइम हम इरिगेट करना जरूरी रहेगा, जिससे जो लॉन का मेंटेन में भी बहुत ही सहायक रहता है। इसमें है, इसके बाद हम बात करते हैं, वाइल दी वाटरिंग केयर शुड बी टेकन टू स्प्रेड दी दी प्लेस ऑन दी हैवी स्लॉप्स मेक्स यू डेट द वाटर डज नॉट रन ऑफ एंड सेवरल एप्लीकेशन ऑफ वाटर वुड बी नेसेसरी फॉर सच सरफेस टू इंश्योर द एडक्वेट पेंट्रेशन। मतलब एक मतलब अच्छे पर्याप्त मात्रा में वाटर की जो जो सरफेस होती है ग्रीन कारपेट की मतलब लॉन्स की, उसमें नेसेसरी ज़रूरत के हिसाब से वाटर की पूर्ति हो सके। अब हम फिफ्थ पॉइंट के अंदर बात करते हैं, जो फिफ्थ मेथड है एस्ट्रोटर्फ। जो एस्ट्रोटर्फ सिस्टम होगा यह ओनली जो सिंथेटिक लॉन तैयार करने के लिए माना जाता है। जो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पर होगा, ये जो डेवलप कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ऐसे पॉपुलर मेथड्स को, जो ओनली जो रूट गार्डन में और रूट गार्डन के साथ साथ ये प्ले ग्राउंड में भी उसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं इस मेथड को। इसके बाद में इट डिस्पेंसेस दी नॉर्मल मेंटेनेंस यूजली रिक्वायर फॉर नॉर्मल लॉन। नॉर्मल लॉन के लिए ये बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है, बट ये कॉन्स्टेंट स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑफ वन ऑफ दी प्राइम रिक्वेस्ट टू बाइंड एंड द सिंथेटिक फाइबर्स टू प्रोवाइड द सरफेस स्किन टू लॉन कारपेट्स। मतलब लॉन कारपेट्स के लिए यह एक सरफेस में प्रोवाइड करता है सिंथेटिक फाइबर्स के फॉर्म में। इसके बाद में हम बात करते हैं प्लांट्स की। इसमें द प्लांट्स सूटेबल फॉर द प्लांटिंग इन लॉन एंड सिंगल स्पेसिमेन। दो सिंगल स्पेसिमेन ट्री के अंदर बात करते हैं। फर्स्ट में है एम्प्रेस्टिया नोबिलिस एंड सेकंड में है दी कैलेस्टोमन लेंसियोलेटस एंड थर्ड में है मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा एंड फोर्थ में आता है कफ्रेशस एंड मैक्रोकार्पा एंड फाइनस फिफ्थ में आता है पाइनस लॉन्गी पोलिया एंड थूजा ओरेंटेलिस। अब हम बात करते हैं श्रब्स और जो क्रीपर्स के अंदर की बात करेंगे, तो फर्स्ट में एग्यू अमेरिकाना एंड सेकंड में है परक्यूरिया ग्रिगेटिया एंड थर्ड में है मोशा सुपरबा एंड बोगनवीलिया स्प्रेक्टेबेलिस एंड फिफ्थ में है कैस्ट्रम नोक्टेटम्स एंड सिक्स के अंदर आता है डोबेरिया डोम्बेया एंड स्पेसी पेक्टबेलिस एंड सेवन्थ में आता है हिबिस्कस स्पीसीज। और ये जितने भी हैं बॉटनिकल नेम्स इसके अंदर बात करते हैं, जितने भी ये ग्रासेस के अंदर हैं, तो इसमें फर्स्ट में साइनोडोंटाइलॉन्स एंड दूसरा है इसमें स्टेनो टेप्रम स्केटो डेलप्टम एंड इसके बाद तीसरे के अंदर हैं द स्पेरो बोलस टर्मिलोस एंड फोर्थ में आता है पोवा एनोला एंड पेनिसेटम्स क्लैंड्रोस्टेटम्स एंड जोसिया एंड जेपोनिका। इसके बाद जेसुया एंड मैट्रिक्सिलिया एंड जेसुया ट्रिनिफोलिया साइनोडोन स्पीसीज एंड साइनोडोन स्पीसीज। मतलब इस टाइप से डिफरेंट टाइप के जो लॉन्स जो ग्रासेस होते हैं लॉन मेथड्स के लिए, मतलब लॉन तैयार करने के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं। थैंक यू।